सभी को कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत मजे में होंगे और आपके बच्चों ने सीख ली होगी छोटी ई की मात्रा, है ना। छोटी ई की मात्रा की आवाज कैसे होती है, वो कहाँ लगती है, और जब वो किसी भी व्यंजन के साथ लगती है तो उसकी आवाज बदल कर क्या हो जाती है। तो आज हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा के तीन वर्णों के शब्द। दो वर्णों के शब्द हमने पिछली वीडियो में सीखे थे, आज हम सीखेंगे छोटी ई की मात्रा के तीन वर्णों के शब्द। आपने करना क्या है, सिर्फ पिक्चर दिखाना है और पिक्चर को देखकर जैसे जैसे पिक्चर की आवाज निकलती जाएगी वैसे वैसे हम उसको लिखते जाएंगे। सिर्फ आपने आवाज पे ध्यान देना है। हम बच्चों को ऐसे ही सिखाते हैं कि आवाज कैसे देखनी है, हमने आवाज पे कैसे ध्यान देना है। सबसे पहले ये किसकी पिक्चर नजर आ रही है, नदी या। तो बच्चे को बोलेंगे कि जैसी पिक्चर है पिक्चर को पहचानो, उसकी आवाज निकालो। आवाज निकाल कर जैसे जैसे आवाज निकलती जाएगी वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। तो ये है न दी या, तो वैसे ही लिखेंगे। देखिए ध्यान से, न दी, द पे छोटी की मात्रा की आवाज आएगी ना दी, तो वैसे ही लिखेंगे द, द पे छोटी ई की मात्रा दी। अब किसकी आवाज है, या न दी या। तो अब हम लिखेंगे य और आ की मात्रा क्या बन गया, न दी या, नदिया। ठीक है, अगला क्या है, की या। बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ स्टार्टिंग में चेंजेस आएंगे। त, सबसे पहले जो आवाज आएगी वो लिखेंगे हम त की, पे छोटी ई की मात्रा आ रही है ना, तो की। या, य पे आ की मात्रा, या, तकिया। ठीक है, ये क्या है, क्या हो रही है, ये बारिश। क्या हो रही है, बारिश। तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे कैसे, बा रिश, है ना। तो बा, ब पे किसकी मात्रा, आ की मात्रा, बा। फिर रि, र पे छोटी की मात्रा, रि। और फिर क्या आएगा, श, बा रिश। तो श से शलगम, ये लिख दिया, क्या बन गया, बारिश। क्या बनाइए, बारिश। ठीक है, अगला क्या है, यह है पहिया। क्या है, पहिया, पहिया। देखिए, पे छोटी की मात्रा ही, या, य पे आ की मात्रा, पहिया, पहिया। क्या बना, पहिया, पहिया। ठीक है, अगला क्या है, वाड़, वाड़। ठीक है, तो वैसे लिखेंगे हम क, पे लगाई छोटी की मात्रा, क्या बना, की। वा, आ की मात्रा, ड़, खाली लगा, बाढ़। क्या बना, कि बाढ़। जैसे बोल रहे हैं वैसे लिख रहे हैं। अगला क्या है, गिलास, गिलास, गिलास है ना ये, तो वैसे ही हम लिखेंगे कैसे, गी। तो पहले लिखेंगे ग, इस पे लगाई ई की मात्रा की, ला, ल पे लगाई आ की मात्रा, और सब। क्या बना, गिलास। ठीक है, ये चित्र है माचिस का, किसका, माचिस। तो कैसे लिखेंगे माचिस, म, माचिस, म पे आ की मात्रा, माचिस, च पे छोटी की मात्रा, ची, और सब। क्या बना, माचिस। ठीक
माचिस, ये क्या है? चिमटा, क्या है? चिमटा, चिमटा। तो लिखेंगे कैसे? देखिए, च, च पे लगी छोटी की मात्रा, ची म, और क्या आएगा? टा, ट पे आ की मात्रा आएगी, तो क्या लिखेंगे? ट पे आ की मात्रा क्या बन गया? ची म टा, चिमटा। ये क्या है? चिड़िया, चिड़िया क्या बना? चिड़िया। तो वैसे ही लगाएंगे, देखो इसमें छोटी की दो बार मात्रा आ रही है, चिड़िया, तो वैसे ही हम लिखेंगे, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसे वैसे ही हम लिखेंगे। देखो ची, अब क्या आएगा? रड़ी, रड़ा पे भी छोटी की मात्रा, रड़ी, और या, चिड़िया, चिड़िया। ठीक है, ये क्या है? ये है किताब, क्या है? किताब। कैसे लिखेंगे? किताब। तो वैसे ही ये देखो, क पे लगाई छोटी की मात्रा, की ता, त पे आ की मात्रा, और ब, क्या बन गया? किताब। क्या बना? किताब। तो ये हमने सीखा चित्र को देखकर लिखना। अब हम लिखे हुए शब्दों को पढ़ना भी सीखेंगे। देखो कैसे पढ़ेंगे, अगर हमारे पास सपोज ये शब्द आ गया है लिखा हुआ और हमें रीडिंग करनी है, तो वो रीडिंग करने के लिए हम जैसे ही जहां पर जो मात्रा है हम वैसा वैसा ही उच्चारण करेंगे तो हम रीडिंग कर पाएंगे। देखिए, न दि या, नदिया, त की या, तकिया। जहां जो मात्रा लग रही है हमने उसी की आवाज निकालनी है। ठीक है, बा, ब पे आ की मात्रा है ना, तो मुंह खुला, बा री, र पे छोटी की मात्रा तो छोटी सी आवाज, री श, बारिश। ठीक है, पहिया, है ना। अगला है की वाड़, क्या है ये? की वाड़। लास, गी लास। अब देखो कैसे बोल रही हूं मैं, जहां जो मात्रा हमें लिखी दिख रही है वैसे ही हम आवाज निकाल रहे हैं। गी, घ पे छोटी की मात्रा तो आवाज छोटी हो जाएगी, गी, ल पे आ की मात्रा तो ला, मुंह खुल गया, सब, गी लास। अगला है मा, ची, स, माचिस, चिमटा, चिमटा। नेक्स्ट है चिड़िया, चिड़िया, किताब। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा कि हमने चित्र को देखकर कैसे लिखना है, कैसे शब्दों को हम जैसे जैसे आवाज आती है वैसे वैसे मात्रा लगाकर बनाना है, और जब हमें लिखे हुए शब्द मिलते हैं तो उनको हमने पढ़ना कैसे है, उनकी रीडिंग कैसे करनी है। तो ये सब आपको आ जाएगा, सिर्फ जरूरत है थोड़ी सी प्रैक्टिस की। तो मुझे उम्मीद है आप छोटे ई की मात्रा के तीन वर्णों के शब्दों की बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपको रीडिंग भी आ जाएगी और राइटिंग भी आ जाएगी, दोनों ही काम बहुत आसानी से हो जाएंगे हमारे। तो अब हमने करनी है ढेर सारी रीडिंग, मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें लेकर आऊंगी छोटे ई की मात्रा के चार वर्णों के शब्द। तब तक करते रहिए इसकी प्रैक्टिस। जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नीचे बेल आइकन है आप उसको प्रेस करिएगा तो आप मेरी वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, एक तो आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, दूसरा अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो उसे कर दीजिए लाइक, तीसरी बात आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो कॉमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो ज्यादा पसंद आ रही है और आपको लगता है कि वाकई ये यूजफुल है तो आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भेजिएगा, आपके रिलेटिव्स होंगे जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भेजिएगा। मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।